सिंगरौली में नगर निगम सफाई कर्मचारी लामबंद हो गए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान व्यापारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग है कि जब तक व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सिंगरौली में नगर निगम द्वारा इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बेड़न शहर के हनुमान मंदिर के सामने दो दिन पहले निगम के कर्मचारी नालियों की सफाई में लगे थे। इस दौरान एक व्यापारी अशोक गुप्ता ने कर्मचारियों को गाली देते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। विवाद धक्का मुक्की तक पहुंच गया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने कोतवाली बेड़न में पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक तीनों जोन में सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इधर सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मामले में पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि हनुमान मंदिर के सामने जत महादेव के सामने परसों अतिक्रमण हुआ था, तो अतिक्रमण में इधर उधर सामान हटाया गया, तो बोले कि साफ सफाई कर दिया जाए, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, तो पूरा टीम कल लग करके पूरा सफाई हुआ है। आज हम लोग सुबह गए वहाँ पे, तो वहाँ पे गीला भी कचरा पड़ा हुआ है कल का, तो नहीं उठा हुआ। तो एक अशोक गुप्ता जी हैं जो, तो गाड़ी गलौज देकर माँ बहन की गाली दे रहे थे कि नाली सफाई करते द्वारे में मेरे रख देते हैं, तो पटांग गाली दे रहे थे। हम यही चाहते हैं कि आज तक हम काम करें इस तरह, कोई गाड़ी गलौज का काम नहीं देता गाली गलौज। हम सरकार के नौकर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उसके साथ कानून कार्रवाई किया जाए। आज सुबह मेन रोड पे हमारे सफाई कर्मचारी द्वारा नाली सफाई का कार्य किया जा रहा था। सफाई कार्य के दौरान ही वहाँ के स्थानीय निवासी कोई क्या नाम अशोक गुप्ता जी के द्वारा घर से बाहर निकाल के हमारे सफाई कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने लगा। काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं माना, तब मजबूरन हम लोगों को, हम समस्त कर्मचारी इकट्ठा होकर हम लोगों ने थाने में भी इसकी सूचना दे दी है। अभी हम लोग कुछ देर में जाके हमारे हरिजन थाने में भी जाकर हम लोग सूचना कर रहे हैं। इस संबंध में हमने अपने आयुक्त महोदय को भी सूचित कर दिया है, और हम सबकी मांग यही है कि जब तक संबंधित के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा समूचा शहर की सफाई व्यवस्था हम बंद कर देंगे। जब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम वही सफाई कर्मचारी है जो कोरोना काल में जिनके माँ बाप भाई बहन कोई साथ नहीं देता, हमारा कर्मचारी जाके उसका दाह संस्कार किया करता था, उसके घर पर सैनिटाइज किया करता था, हर काम किया करता था। आज वही सफाई कर्मचारी ऐसा हो रहा है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सफाई कर्मचारी कोरोना जैसे बीमारी को झेल करके सभी पब्लिक में और सभी आम नागरिकों को सहयोग किए और घर घर जा कर के ये सफाई किए, वो अपने जीव जान को नहीं डरे सफाई कर्मी, और उनके जान को बचाए। लेकिन आज उन सफाई कर्मचारियों को एक मतलब आम पब्लिक इस तरह से गाली गलौज, माँ बहन की गाली देना और गंदगी मतलब जात सूती भाषा के प्रयोग करना, ये मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम सफाई कर्मचारियों हमारे ही बीच के सभी सदस्य हैं, और उनको गाली दिए तो हमको गाली दिए, हम अधिकारियों को भी गाली दिए, नगर निगम को भी गाली दिए एक तरह से, वो ठीक ना, क्योंकि कर्मचारी तो नगर निगम के हैं। हम ये चाहते हैं शासन से कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे अरेस्ट किया जाए, उसके ऊपर STSC का मुकदमा कायम किया जाए, तब तो हम शांत रहेंगे, नहीं अन्यथा पूरे चारों जून पूरे सिंगरौली भर के कार बंद करके हम लोग आंदोलन में बैठेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।